जी सबसे पहले मेरी आवाज तो आ रही है ना सही से? हाँ सब क्लियर आ रहा है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ सबको रही है। आ रही है। जी 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 सभी को बाकी सब माननीय लोग गण म्यूट को कर लें, मेरे मेरा, ख्याल से संदीपन रॉय जी बोलेंगे तो बहुत क्लियर आएगा। हाँ सभी माननीय गण को, सभी जो यहाँ पे सम्मानित गण हैं सभी को मैं नमस्ते और उनको सलाम पेश करके अपने गुफ्तगू का आगाज मैं करना चाहूंगा वेद मंत्र से। इंद्रम वर्धन तो अब तो रहा अपगणन तो आरावणा कृणवंतो तो विश्वम आर्यम, इन वचनों से मैं अपने बातों को शुरू करना चाहूंगा। अच्छा आज हमारे साथ हमारे मुफ्ती साहब ने ये विषय रखा, क्या कुरान कलामुल्ला है कि नहीं है। तो कुरान के कलामुल्ला होने की पहले हम कसौटी तय कर ले, उस कसौटी पर हम चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। सबसे पहली जो कसौटी है, कुरान के सूरह बकर आयत नंबर 111 की मैं कसौटी ले रहा हूँ, जहां पे अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है, कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो, अगर तुम सादिकीन में से हो, सत्यवादी हो तो दलील पेश करो। तो यहाँ पे सबसे पहली बात मैं अर्ज करना चाहूंगा कि कुरान में नुसूस कतई से या कतई सबूत से ये कहाँ से साबित है कुरान अल्लाह का कलाम है, वो आयत अगर आप मुफ्ती साहब मुझे पेश कर पाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। ध्यान रखिए मेरा ये दावा है, मेरा ये दावा ये नहीं है कि अल्लाह की तरफ से है कि नहीं कुरान। मैं तो चलिए इस बात को मान रहा हूं कि कुरान अल्लाह की तरफ से है और इसके मुतालिक कुरान में बहुत दलील मिल जाएगी। मेरा मुतालबा ये है कि कुरान अल्लाह का कलाम है कि नहीं, तो दोनों अलग अलग विषय है। जैसे एक किताब है, एक पेन है, ये पेन मैंने अपनी तरफ से पंडित जी को दिया, ये पेन मेरी तरफ से पंडित जी को दिया, इससे ये दावा साबित नहीं होता या इस दावे की वो दलील नहीं बनती कि इस पेन का रचयिता या इस पेन का खालिक भी मैं हूं। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से कि बिल्कुल पेन मेरी तरफ से आपको मैं दे रहा हूं, इससे ये बात साबित नहीं होती कि पेन का खालिक मैं हूं। उसी तरीके से अल्लाह की तरफ से कुरान है, इससे ये साबित नहीं होता कि अल्लाह ही कुरान का जो है बोलने वाले हैं या अल्लाह ने ही कुरान को बताया है, बोला है। चलिए ये मैंने पहला स्लाइड लिया। अच्छा फिर मैंने चूंकि यहाँ कुरान को के से डिनोट किया, मेरा थोड़ा जो कीबोर्ड है वो खराब है तो मतलब मैं माजरत चाहूंगा। मैंने यहाँ लिखा है कुरान फेल्स द टेस्ट ऑफ प्रिजर्वेशन। कुरान बताता है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून, कि हमने कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसको इसकी हिफाजत करेंगे। अब देखेंगे कि हम जब रिवेलेशन ऑर्डर ऑफ कुरान को देखते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक लिंक दिया है, ये लिंक से मैं आपको दिखाऊंगा कि रिवेलेशन ऑर्डर ऑफ जो कुरान है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि रेवेलेशन ऑर्डर ऑफ कुरान जो कुरान अल्लाह ने नाजिल की थी वो रेवेलेशन ऑर्डर ऑफ कुरान का सूरह अलग जो है वो पहला नंबर का सूरह है, और आज के कुरान में जो सूरह फातिहा है वो पहला नंबर का सूरह है। तो जाहिर सी बात है जब अल्लाह ने किसी चीज को क्रिएट किया होगा या अल्लाह की कोई चीज होगी तो अल्लाह का जो क्रिएशन होगा वो परफेक्ट होगा, ना कि बंदे का बनाया हुआ कोई भी, चाहे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो या कोई भी क्रिएशन, बंदे का परफेक्ट नहीं हो सकता, अल्लाह का ही परफेक्ट होगा। तो अल्लाह ने कुरान को सूरह अलग से शुरू किया और आज का कुरान सूरह फातिहा से शुरू होता है। ये आप देख सकते हैं क्रोनोलॉजिकल कुरान ऑर्डर ऑफ द कुरान में जो है सूरह फातिहा ये 5वां नंबर का सूरह है। आप ये कह सकते हैं इसकी दलील हदीस से भी, मैं आपको हदीस शरीफ से भी दे दूंगा कि आज की कुरान सूरह फातिहा से शुरू होती है और हदीस में ये आया है सही बुखारी 4924, ये sunnah.com का रेफरेंस मैं ले रहा हूँ, बुखारी शरीफ की 4924 वाली हदीस मैं आपको दिखाता हूं। बुखारी 4924 वाली हदीस, इस रिवायत में आप देख सकते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा है कि सबसे पहली जो आयत आई है वो इक्रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़, और ये इसमें इन्होंने बताया सूरह अल अलक़ इज द फर्स्ट सूरह। तो यहां से मैं, मेरा मुकदमा यह है कि अल्लाह की जो क्रिएशन होगी वो परफेक्ट होगी, ला तब्दील लखल्क इल्ला,
अल्लाह की क्रिएशन में कोई तब्दीली नहीं हो सकती, लेकिन कुरान के रेवलेशन ऑर्डर जो अल्लाह की ही एक क्रिएशन है उसमें कैसे तब्दीली आ गई, ये एक सवाल यहाँ पे मैं उठाना चाहूंगा। और अगर ये तब्दीली किया किसी ने तो किसके हुक्म से किया? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हुक्म दिया कि इसके रेवलेशन ऑर्डर को चेंज करो, या अल्लाह तबारक व तआला या अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने ये दिया? तो ये यही रेफरेंस सही बुखारी 4924, सही बुखारी हदीस नंबर 3 और सही बुखारी 4922 में sunnah.com के हवाले से इंटरनेशनल नंबरिंग में बताया कि सूरह अलक पहली सूरह है। अच्छा फिर देखिए, अब देखे कुरान फेल्स द टेस्ट ऑफ प्रिजर्वेशन में मैं एक और टॉपिक को लेता हूँ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिर्रब्बिलआलमीन, ये सूरह फातिहा में बिस्मिल्लाह से शुरू होता है और माननीय मुफ्ती साहब ने भी इस बात को कहा कि बिस्मिल्लाह से कुरान शुरू होता है। इसमें भी तजाद है, इसमें भी मतभेद है। कई स्कॉलर्स ने यह कहा है कि जो बिस्मिल्लाह शरीफ है, जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो बिस्मिल्लाह शरीफ है ये कुरान की आयत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। दो हदीस में आपको दिखाता हूँ, ये इमाम बैहकी ने अपने इमाम बैहकी ने बहकिश में रिवायत की है और इमाम दारकुतनी ने भी इस रिवायत किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड दैट व्हेन यू रिसाइट अल्हम्दुलिल्लाह रिसाइट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फर्स्ट बिकॉज इट इज द मदर ऑफ द कुरान एंड द मदर ऑफ द बुक एंड कंसिस्ट ऑफ ऑफन रिपीटेड वर्सेस विद द इंक्लूजन ऑफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एज वन ऑफ द वर्सेस। यानी इमाम बैहकी से ये सही सनद से रिवायत है और hadithinc.com अगर किसी को शक है तो मैं वहां से खोल करके भी इसकी सनद की जो ये किया है, जो चेक किया है, वो भी मैं दिखा दूंगा। तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पहली इसको आयत माना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर दूसरे एक हदीस में आप देखे सुनन अबू दाऊद 784 नंबर रिवायत अकॉर्डिंग टू sunnah.com ये बताया है कि दे रिप्लाइड अल्लाह The messenger of Allah said, a surah has just been revealed to me. He then recited, in the name of Allah, the compassionate, the merciful, we gave the abundance, and he finished it. And then he asked, do you know what is the abundance? To khair, matlab, bahut sari, mane hadith mein bataya gaya hai, ki bismillahirrahmanirrahim jo hai, ye Quran ki ayat hai. अब इब्ने कसीर रहमतुल्लाह ताला वो क्या कह रहे हैं इस विषय में? इब्ने कसीर से मैं आपको दलील देता हूँ, एक सेकंड मैं खोल लेता हूँ इब्ने कसीर की दलील, तफसीर इब्ने कसीर से। हाँ, तफसीर इब्ने कसीर क्या कह रहे हैं, देखिए देखिए यहाँ इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह ताला अपने तफसीर इब्ने कसीर में लिखा है कि इन आयतों के बारे में, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के विषय में बता रहे हैं, इन आयतों के बारे में इत्तफाक, यानी सबकी यह राय है कि 7 है, लेकिन अमर बिन उबैद ने 8 और हुसैन जोफी ने 6 भी कहा है, और ये दोनों कौल शाज गैर मशहूर और गैर मकबूल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस सूरत की मुस्तकिल आयत है या नहीं, इसमें इख्तलाफ है। तो जब कुरान की आयत है या नहीं है, इस चीज में ही इख्तलाफ है। कोई लोग कहते 6236 आयतें हैं, कोई लोग कहते 6666 आयतें हैं, और शिया लोग कहते हैं कि 17000 आयतें हैं, वो भी मैं उसका भी उसूले काफी से दलील दूंगा। तो यहाँ पे इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह ताला वो इस बात पर मुत्तफिक नहीं है, और बहुत सारे मुफस्सिरीन में इख्तलाफ पाया जाता है कि बिस्मिल्लाह कुरान की सूरत है कि नहीं, जो शुरुआत में। तो जब बिस्मिल्लाह कुरान की सूरत है या नहीं, इस बात को हम तय नहीं कर सकते, तो जो बात यह कही जा रही है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने कुरान को नाजिल किया, हम इसकी हिफाजत करेंगे, तो ये बिस्मिल्लाह कुरान की सूरत है या नहीं है, इस बात को अभी तक तय नहीं किया गया, तो कुरान फिर कैसे हिफाजत में रही? अब जब कुरान हिफाजत में नहीं रही, तो अल्लाह का यह कौल अपने आप फिर सही यानी गलत के दर्जे में साबित हो गए, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, तो फिर यह अल्लाह का कलाम नहीं हुआ, क्योंकि कुरान खुद कहती है अफला यतदब्बरूनल कुरान वलौ काना मिन इंदी गैरिल्लाहि लवजदू कसीरा, कि अगर कुरान अल्लाह की तरफ से ना होकर किसी और की तरफ से होता तो इसमें तुम कॉन्ट्रडिक्शन पाते। तो अगर अल्लाह ने यह कहा कि ये जो कुरान है वो मैं हिफाजत करूंगा, तो फिर सूरह फातिहा कुरान का पार्ट है कि नहीं, इसी में तो तजाद है, तो फिर कैसे हिफाजत है?
ये मैं एक आपको इसकी दलील दिया। अच्छा आगे मैं बढ़ता हूं, एक सेकंड। हाँ देखिए, फिर अहले हदीस के एक फतवा का वेबसाइट, जो अहले हदीस मकतबे फित्र से मेरे ख्याल से शायद हमारे माननीय मुफ्ती साहब आते हैं, वो भी इस बात को ही कहते हैं, द बिस्मिल्ला इज द पार्ट ऑफ द कुरान। हाँ देखिए, यहाँ पे ये बताया गया है कि विद रिगार्ड टू द बिस्मिल्ला फाउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द सूरज ऑफ द कुरान, द स्कॉलर्स हैव डिफर्ड टू एज वेदर इट इज द पार्ट ऑफ द सूरा, सिंपली अ सेपरेटर बिटवीन द सूरा रिसाइटेड एंड अनरिसाइटेड। द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल डिटरमाइन लीगल रूलिंग्स रिलेटेड टू इट, सच एज वेदर द बिस्मिल्ला शुड बी रिसाइटेड इन द प्रेयर। ठीक है, तो द साउंडेस्ट पोजिशन इज द हनफी स्कूल इन एट विच वर्स विच वॉज रिवील्ड वंस एंड असाइंड एज अ सेपरेटर बिटवीन द सूरज। यहाँ भी ये बताया गया है, तो बिस्मिल्ला कुरान की सूरा है कि नहीं, इसमें भी मतभेद है। एक अहले हदीस का ये seekersguidance.org, हालांकि मैं इसकी ऑथेंटिसिटी मैं भी नहीं बता सकता, आप बेहतर इसको बता पाएंगे, एक बार आप मुझे कंफर्म कर दीजिएगा ये अहले हदीस का है कि नहीं है। लेकिन जो इस्लाम का है, इस्लाम का जो वेबसाइट है, ये तो अहले हदीस का है, इतना मैं श्योर हूँ। तो ये आपको क्या कह रहा है, देखिए इस्लाम का जो वेबसाइट है, एक सेकेंड मैं खोल देता हूँ मेरे यहाँ। हाँ हाँ ये देखिए, यहाँ देखिए, फॉर बिस्मिल्ला एंड द सूरा फातिहा इमाम शाफई हैज टेकन द हदीस नरेटेड बाय अबू हुरैरा मेंशनिंग दैट बिस्मिल्ला इज अ पार्ट ऑफ सूरा फातिहा। एक हदीस मैंने आपको वहीं पे हदीस दिखाई। ऑन द अदर हैंड इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला सेड हैज टेकन अनदर हदीस फ्रॉम सही मुस्लिम इन विच इट डज नॉट मेंशन बिस्मिल्ला एज अ पार्ट ऑफ सूरा फातिहा। As the followers of the Hanafi mazhab, we will follow the opinion of Imam Abu Hanifa. तो इसके मुतालिक मैंने दलील दे दिए, इब्ने कसीर से दिया, हदीस से दिया, और ये आपको अहले हदीस फतावा की वेबसाइट से दिया। अच्छा तीसरा यह है कि कुरान फेल्स द टेस्ट ऑफ प्रिजर्वेशन। इसमें एक और मैं चीज लेना चाहूंगा कि मेनी कुरानिक आयत हैज बीन डिलीटेड और ओमिटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रॉफिट। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंसेंट के बिना, उनकी इजाजत के बिना बहुत सारी आयतों को वो किया गया, यानी वहां से निकाल दिया गया, कुरान से निकाल दिया गया, मतलब नाउज बिल्ला मिल जाली। तो ये नाउज़बिल्ला कह करके मैं इस बात को, इस मुकदमे को रख रहा हूँ। सुनन इब्ने माजा 1944 नंबर हदीस में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात में से हज़रत आयशा सिद्दीका सलामुल्लाहि अलैहा वो कह रही है कि रसूलुल्लाह का जब वफात पा गए थे और हम उनके अंतिम संस्कार में, उनके जनाजे में सब हम लोग उस चीज़ का हम तामझाम कर रहे थे, तब जो आयत ऑफ स्टोनी यानी जो रजम की आयत है वो जो है बकरी खा गई। तो ये अब आप कह सकते हैं, और sunna.com में भी ये बात लिखी है कि दिस आयत, ये जो है इसको तिलावत में इसको वो किया गया है, मनसूख किया है, और लेकिन रूलिंग में ये मनसूख नहीं हुआ। हालांकि इस बात की कोई दलील कुरान और हदीस में है इस बात मुझे पता नहीं है, आप इसको थोड़ा सा ये कर दीजिएगा, रोशनी दे दीजिएगा। अगर ये मान लीजिए मनसूख हुई होती तो फिर हजरत उमर या उस्मान है, एक सेकंड रुकिए मैं बता देता हूँ, शायद हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की ये कॉल है, मैं एक बार देख करके बता दूंगा आपको नेक्स्ट बार। आई एम अफ्रेड दैट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हैज पास्ड समबॉडी विल से बाय अल्लाह वी डू नॉट फाइंड द वर्स ऑफ रजम इन अल्लाह बुक एंड दस दे विल गो एस्ट्रे बाय लिविंग एन ऑब्लिगेशन विच अल्लाह हैज रिवील्ड एंड द पनिशमेंट ऑफ रजम इज टू बी इन्फ्लिक्टेड टू एनी मैरिड पर्सन who committed illegal sexual intercourse if the required evidence is available or there is a conception and confession and we used to recite among the verses in Allah's book ki rasul ye shayad hazrat usman ghani razi Allah taala nu ye keh rahe hain ki Allah ki qasam agar mujhe wo jo rajam ki ayat mil jati By Allah, we do not find the verse of Rajam in Allah's book and thus they will go astray. जब लोग आने वाले लोग या जो मुस्तकबिल में जो लोग हैं वो जब इसको देखेंगे तो वो ईमान से हाथ धो बैठेंगे। तो ये अगर एब्रोगेट हो गया है
तो फिर हजरत उस्मान ये बात क्यों कह रहे हैं कि लोग ईमान से हाथ धो बैठेंगे या ईमान से छोड़ देंगे। ठीक है, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह स्टोन, अबू बकर स्टोन एंड आई स्टोन, रसूलुल्लाह के वफात के बाद जो ये है खुलफाए राशिदीन में से, यानी अब रसूलुल्लाह ये दुनिया से पर्दा फरमा गए और अबू बकर उमर उस्मान की यहाँ बात चल रही है, यानी अब वही का नुजूल नहीं हो सकता। अबू बकर भी रजम करते थे, यानी अबू बकर के जमाने में रसूलुल्लाह जब नहीं रहे तब भी रजम किया जाता था। एंड आई स्टोन इफ आई डिड नॉट डिसलाइक दैट आई अच्छा संदीप जी, टाइम टाइम अप हो गया।